सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग बड़ी ई की मात्रा लगाना सीखोगे। किस तरह से बड़ी ई की मात्रा लगा के शब्द बनाते हैं, देखिए किस तरह से बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। हमने झला झल लिखा है, लेकिन इसको क्या लिखना है, झील लिखना है। तो देखिए किस तरह से कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। झ में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और ल लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, झील। उसी तरह से नल, नल लिखा हुआ है लेकिन हम इसको नील, हमें नील लिखना है। तो नाम में हम जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ल लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, नील। इसी तरह से कल, हमने कल लिखा है, कल को हमें कली बनाना है। तो कली किस तरह से लिखेंगे, क लिखेंगे और ला में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कली। फूल में कली आती है ना, सबसे पहले कली आती है फिर फूल खिलता है। अब गाला, गा को हमें गली बन लिखना है, तो गा लिखेंगे और ला में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गली। मकर, बड़ी रा लिखा हुआ है तो इसको हमको मकड़ी लिखना है। म लिखेंगे, क लिखेंगे और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मकड़ी। फिर पतल लिखा हुआ है, इसे हमें पीतल लिखना है। तो प में जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे और त ल लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पीतल। उसी तरह से जनावर, जानवर लिखा हुआ है लेकिन इसे हमें जनवरी लिखना है। तो देखिए कहाँ पे पड़ी की मात्रा लगेगा तो जनवरी बनेगा। ज लिखेंगे, ना लिखेंगे, व लिखेंगे और राम में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, जनवरी। इसी तरह से स र क में आ की मात्रा र लिखा हुआ, इसे हमें सरकारी लिखना है। तो स लिखेंगे, र लिखेंगे, क में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा तो क्या बन गया, सरकारी। इसी तरह पिचकारी, पिचकारी आप लोग होली में पिचकारी खरीदते हो ना रंग खेलने के लिए, वही आज मैं आप लोग को लिखना सिखाती हूँ। पिचकारी किस तरह से लिखेंगे देखिए, प में पहले छोटी की मात्रा लगाएंगे, च लिखेंगे, क में आ की मात्रा लगाएंगे और र में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पिचकारी। देखिए किस तरह से कहाँ कहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाना है। आप लोग को मैं पिछले क्लास में बड़ी ई की मात्रा वाली सब पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग घर में इसको अच्छे से पढ़ोगे बोल बोल के, तब आप लोग समझ जाओगे कि कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाना है। देखिए आगे पेज नंबर 4141 निकालेंगे आप लोग, और इसमें देखिए इसमें भी बनाना है। देखो चित्र पहचानिए और मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। चित्र देखना है किस चीज का चित्र है, देखिए यहाँ पे चील का है ना, चील का चित्र है। तो यहाँ पे च में जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चील। इसी तरह से ये मकड़ी का चित्र है ना, तो म क बड़ी र लिखा हुआ है, इसमें बड़ी र में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मकड़ी, जो हम मैंने यहाँ आपको पढ़ा आया है। उसी तरह से यहाँ पे पिचकारी का भी चित्र बना हुआ है, मैंने देखिए पिचकारी भी लिखना आप लोगों को सिखाया है। उसी तरह से र में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो पिचकारी बन जाएगा। अब देखिए सही शब्द सुनकर खाली स्थान को भरना है। राधा, देखिए झील में बड़ी की मात्रा लगेगा या छोटी की मात्रा लगेगा, आप लोग पीछे पढ़ोगे और यहाँ पे झील लिखोगे, आप लोग खुद से लिखोगे, बड़ी ई की मात्रा वाली झील यहाँ पे लगेंगे तो क्या बन जाएगा, राधा झील पर गई। फिर यहाँ पे देखिए खाली जगह है, घास पर गई, तो बकरी में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा वाली शब्द हम लोग लिखेंगे। बकरी घास चर गई। फिर यहाँ पे गोपी को फिर खाली जगह है, नहीं थी, तो यहाँ पे कमीज में बड़ी की मात्रा लगेगा, तो यहाँ पे हम कमीज बड़ी की मात्रा वाले लिखेंगे तो पूरा शब्द बन जाए, गोपी
की कमीज नहीं थी, इसी तरह से मकड़ी खाली जगह पर चढ़ गई। तो दीवार, दीवार पर क्या लगेगा? बड़ी की मात्रा वाले शब्द यहाँ पे लगेंगे। तो मकड़ी दीवार पर चढ़ गई, इसी तरह से आप लोग पढ़ोगे। पहले पीछे बड़ी की मात्रा वाले शब्द दो बार, तीन बार, चार बार घर में अच्छे से पढ़ोगे और फिर ये खाली जगह को अच्छे से भरोगे। ठीक है, ओके, बाय।